जय माता दी। तो अभी बजे हैं 3:30 और इतना ठंडा पानी हो रखा है यहाँ पे कि हल्का हो गया। अभी नहाने मतलब दर्शन करने से पहले हमें यहाँ पे नहाना होता है। हम यहाँ के राजमा चावल टेस्ट करते हैं क्योंकि सबसे पहले हमारा ये नाश्ता मतलब आज का दिन भर का खाना यहीं पे हो रहा है। दिन भर से हमने कुछ खाना भी नहीं खाया है, बस रास्ते में वही चाय पानी वगैरह ही खा रहे थे। चलो जी अब स्टार्ट करते हैं भैरव बाबा की जर्नी यहाँ से, और यहाँ से होगा अराउंड 3 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर की जर्नी स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं ठीक है। तो अभी 2-3 घंटे का ट्रैवल करके हम पहुँच गए यहाँ पे अर्धकुंवारी माता के मंदिर पे, और अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम दर्शन करेंगे। जय माता दी। तो हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है अभी बाणगंगा से, और अभी हम हैं लाइन पे लगे हुए। तो यहाँ से हमारी पूरी टीम लाइन पे लगे हुए हैं और अब यहाँ से हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी मतलब लाइन लगी हुई है, तो अभी हम आगे आगे दिखाते हैं। अभी पता नहीं किस चीज़ के लिए लाइन लगी हो, शायद टेस्ट के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए लाइन लगी हुई है यहाँ पे। तो उसके बाद हम इससे पार करने के बाद असली जर्नी स्टार्ट होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए कि कैसे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की और कैसे एंड की। ये जर्नी जो एंड होने वाली है ना, वो रात को होने वाली है, और रात को हम आपको पूरा नज़ारा बताने वाले हैं कि कैसा वहाँ पर होता है। मतलब जो पहाड़ी में जो हम जाने वाले हैं ना, पहाड़ी में जाने वाले हैं, तो पहाड़ी में बर्फ़ पड़ चुकी है ऑलरेडी, तो इस वीडियो में आपको बर्फ़ भी दिखने वाली है। तो अभी गेट से एंटर हो गए हैं हम, और यहाँ से हमारी पर्ची वगैरह सब कट गई है और चेकिंग वगैरह सब हो गई है। तो अब हम चल रहे हैं आगे की ओर और यहाँ से करने वाले हैं पैदल यात्रा, ठीक है। तो मेरे सब दोस्त लोग हैं ये आगे, और हम घोड़े वगैरह कुछ नहीं ले रहे, तो हम 7-8 लोग हैं यहाँ पे, तो हम घोड़े वगैरह कुछ नहीं ले रहे, हम सब घोड़े ही हैं वैसे भी। तो हम सब जा रहे हैं ऐसे ही पैदल, ठीक है। तो दिखाते हैं आपको अपनी जर्नी पूरी, और बने रहिए इस वीडियो के साथ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अभी जस्ट हमने जर्नी स्टार्ट की थी, तब तक हमें सबसे पहले दिख गया यहाँ पे भंडारा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भंडारा खा रहे क्योंकि 8-9 घंटे की जितनी भी जर्नी होगी पहले पेट में कुछ होना चाहिए, तो उसके बाद ही हम जाएंगे, ठीक है। अभी ये सब लोग देखो, सब लोग भंडारा खा रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। वैसे हम तो पैदल जा रहे हैं, पर अगर आपको घोड़े में जाना होगा ना, तो घोड़े की लिस्ट है ये। तो कटरा टू चेतक भवन, अबे आराम से। तो ये चेतक, ये 6 नंबर पे है ना जो, तो 3100 फीस है घोड़े की, और यहाँ पे बहुत सारे लोग घोड़े में जा रहे हैं। देखो ऐसे हैं घोड़े, बट मुझे नहीं लगता कि इतना दूर अगर घोड़े को भी परेशान कर दोगे इतना बड़ा वजन लेके, है ना। तो ये है बाणगंगा का मंदिर, और तो यहाँ से ना अगर आपको मतलब चढ़ने में कोई प्रॉब्लम होती, डंडे ले सकते हो, घोड़े ले सकते हो, पालकी ले सकते हो, बट मुझे नहीं लगता, बट जो भी बुड्ढे लोग हैं उनके लिए तो चाहिए होगा मतलब पालकी वगैरह वगैरह, बाकी हमें तो एक्चुअली कोई ज़रूरत नहीं है, हम चले जाएंगे ऐसी। तो अभी हम रुके हैं यहाँ पे चरण पादुका में, तो यहाँ पे हमने दर्शन किए और अब जाते हैं आगे की ओर। अभी हमने अराउंड कर ली है 3.5 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट, और पता हम कहाँ से आए थे, वो इतनी दूर से आए थे हम, और अब इतनी दूर पहुँच गए। तो 3.5 किलोमीटर मतलब यहाँ से तो इतना बहुत सामने लग रहा है, बट यहाँ आते आते तो पूरी मतलब हालत ख़राब हो गई है बहुत सारे लोगों की और मेरी भी थोड़ी बहुत। तो अभी हम यहाँ से ऊपर को चलेंगे, तो अभी थोड़ा सा और चल के हम अंदर आ चुके हैं बहुत ही ऊपर। तो अभी हैं हम ये हाथी माता मंदिर की तरफ, और हम अर्धकुमारी पे पहुंचने वाले हैं, थोड़ी दूर में है अर्धकुमारी मंदिर, मैं और रोहित भाई हैं मेरे साथ। तो अभी हम अर्धकुमारी मंदिर पे पहुंचने वाले हैं, और हालत थोड़ी बहुत खतरनाक हो चुकी है क्योंकि अब चला भी नहीं जा रहा, थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है मुझे। तो अभी देखो फिर यहाँ पर आके अगर आपको मतलब चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये बैटरी रिक्शा है मतलब बैटरी वाली गाड़ियां हैं, तो इसमें आप जा सकते हो ऊपर पूरा मंदिर तक। तो 354 रुपये इसका चार्ज है, जो कि नॉर्मली आई थिंक अगर आपसे नहीं चला जा रहा है तो आप 354 रुपये दे के, और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, बट आप जा सकते हो। Thank you.
बहुत सारी चढ़ाई चढ़ने के बाद अब थोड़ी सी हमने यहाँ पे अपने पास एनर्जी डाली, और एनर्जी डाल के मतलब हमारी एनर्जी होती है चाय, ठीक है। तो हमने थोड़ी बहुत अभी चाय पी मैंने और रोहित भाई ने, और वो पता नहीं 4-5 लोग थे हमारे साथ, वो तो पता नहीं गायब हो गए। अभी हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद जाएंगे। तो टाइम हो चुका है 6 बजने वाले हैं, और उसके बाद ऊपर जाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं ऊपर की ऊपर का नज़ारा कैसा है। तो अब रात होने वाली है कुछ देर में, मतलब थोड़ा बहुत अंधेरा होने लग गया है, तो थोड़ी देर में रात हो जाएगी और उसके बाद रात का नज़ारा ऊपर देखेंगे। अगर बैंड बाजा ढोल वोल बजेगा तो फिर उसमें भी नाच करेंगे। तो जी फाइनली हम पहुँच चुके हैं माता के करीब, और बहुत ही जल्द हम माता के द्वार में भी होंगे। और अब ये शाम की पूजा चल रही है यहाँ पे, जो आप सुन रहे होंगे। अराउंड 5 घंटे की यात्रा करने के बाद हम कुछ टाइम बाद, मतलब आधा पौना घंटा बाद हम पहुँचने वाले हैं माता रानी के धाम, और दर्शन तो हम आपको सुबह कराएंगे, क्योंकि अभी हो चुकी है रात। तो हम सुबह की जो पूजा होती है ना मॉर्निंग वाली, उस मॉर्निंग वाली पूजा में हम आपको दर्शन कराएंगे। आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पे फ़ोन अलाउ होगा, तो शायद नहीं होगा, तो फिर भी देखेंगे। पर दर्शन हम सुबह ही करेंगे, अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे वहाँ पे जाके। और अभी दिखाता हूँ मैं आपको ना कि कैसा कैसा वहाँ पे माहौल हो रखा है। तो हम अब थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं यहाँ पे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं माँ वैष्णो देवी के मंदिर के बाहर, और अभी जो हम दर्शन करने वाले हैं ना सुबह करेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमने खाने पीने का देख रहे हैं, ठीक है। तो खाने पीने का सबसे पहले ये हमने राजमा लिए हैं यहाँ पे, तो ये हमने अभी राजमा ले रखे हैं, राजमा चावल। यहाँ के फेमस है राजमा चावल, इसलिए भाई ने सजेस्ट किया मुझे कि राजमा चावल खाते हैं। तो अभी हम राजमा चावल खा रहे हैं, और इसके बाद हम थोड़ा रेस्ट करने का देखेंगे कि रेस्ट कहाँ पे करेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा दर्शन, ठीक है। तो सब कुछ हम करने वाले हैं, शायद ये वीडियो लंबी भी हो सकती है, अगर लंबी होगी तो इस वीडियो को मैं सेकेंड पार्ट में कंप्लीट कर दूँगा और फिर मैं आपको दर्शन दिखाऊँगा, ठीक है। तो अभी पहले खाना खाते हैं। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ के राजमा चावल टेस्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा ये नाश्ता, मतलब आज का दिन भर का खाना यहीं पे हो रहा है। दिन भर से हमने कुछ खाना भी नहीं खाया है, बस रास्ते में वही चाय पानी वगैरह ही खा रहे थे। टेस्ट अच्छा, तो यहाँ का, यहाँ के ही फेमस है। अभी हमने यहाँ तक की जर्नी, इस वीडियो में हमने यहाँ तक की जर्नी दिखाई, और इसके बाद दिखाएंगे हम माता वैष्णो देवी के दर्शन जब हम करेंगे। अभी हम थोड़ा रेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पैर बहुत थक चुके हैं, और पता नहीं कब तक, मतलब अभी दर्शन करेंगे 10 बजे के बाद ही जाएंगे, क्योंकि हमने सुना है कि 10 बजे के बाद आप दर्शन करना तो सही रहेगा, ठीक है। बाकी अभी ऊपर देख सकते हो आपकी बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। तो ये है 5 नंबर गेट, और 5 नंबर गेट से हम अंदर जाएंगे, तो आपको आगे आगे बताते रहेंगे कि कैसा रहेगा अंदर का नज़ारा वो सब। अंदर का नज़ारा आई थिंक होगा नहीं पूरा, बट जितना भी होगा मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा रेस्ट करने जा रहे हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा नीचे जाके भी दिखाता हूँ कि। तो अभी हम हैं यहाँ पे कंबल स्टोर में, तो मतलब अभी हमें, क्योंकि ठंड बहुत है ना यहाँ पे, तो ठंड के लिए हमें यहाँ पे कंबल ले रहे हैं। तो कंबल यहाँ पे, कंबल का हिसाब ये है कि कंबल जितनी भी लोगे आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जितनी आपको चाहिए। तो 100 रुपये पर कंबल का होता है, वो आपको सुबह जब आप कंबल यहाँ पे रिटर्न करोगे ना, तो तब आपको पैसे पूरे वापस मिल जाते हैं। तो हमें ये पर्ची वगैरह मिल गई है, और अब हमें 7 कंबल मिलेंगे, और 7 कंबल में हम दोनों सो जाएंगे, फिर उसके बाद सुबह हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। 7 के बजे हैं 8:45, और कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ से अभी दिख रहा है, बहुत ही शानदार दिख रहा है अभी। तो सुबह मतलब जब यहाँ पे रोशनी आएगी ना, तो बहुत ही अच्छा दिखने वाला है। और ये रहा ये हमारा यहाँ पे सोने का, सोने का मतलब ऐसा होता है, तो ये सब सोने का स्थान है, यहाँ पे हम दोनों सोएंगे, और ये सब लोग सोए हुए हैं। ऐसे कुछ ऊपर भी हैं, कुछ नीचे भी हैं। जय माता दी। तो अभी बजे हैं 3:30, और इतना ठंडा पानी हो रखा है यहाँ पे कि हल्का हो गया। अभी नहाने, मतलब दर्शन करने से पहले हमें यहाँ पे नहाना होता है,
अभी मैंने तो नहा लिया है, अब भाई की बारी है, ठीक है। तो अभी हम पहले रेडी हो जाते हैं, उसके बाद हम आपको दर्शन करके, दर्शन करने के लिए जाते हैं। सबसे पहले हम प्रसाद लेने जाएंगे और एक लॉकर रूम में जाएंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं जब भाई नहाते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं नहा धो के, और अब आ चुकी है हमारे फ़ोन को, कैमरे वगैरह सबको बाय बाय करने की बारी। तो अब हम अपना जो सामान है ना वो लॉकर रूम में रखने वाले हैं, और इसके बाद हमें फ़ोन अलाउ नहीं होगा अंदर, और फिर इसके बाद हम जाएंगे प्रसाद लेने, और उसके बाद लग जाएंगे लाइन पे, ठीक है। तो अब हम रख रहे हैं अपना सामान यहाँ पे लॉकर में, फिर मिलते हैं अब पूजा के बाद। फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं, मैंने और रोहित भाई ने। तो अब जो लाइन है ना, तो अब मतलब 8 बजे तक यहाँ पर पूजा होगी, आरती होगी, तो तब तक कोई भी यहाँ पे मतलब दर्शन नहीं कर सकता। तो आप सब लाइन मतलब सब लोग यहाँ पे लाइन पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो हमने मतलब सही किया कि टाइम पे आ गए। और मेन जो इशू था, मेन मतलब इशू क्या आया हमें, कि हमें पता नहीं था कि वहाँ आरती में बैठने के लिए ऑनलाइन टिकट लेनी होती है। तो ये मुझे भी पता नहीं था और भाई को भी पता नहीं था। तो अगली बार से अगर मतलब अगर आप भी कभी आते हो तो आपको यहाँ पे पहले ऑनलाइन टिकट करवानी होगी, वो उसका डॉर्मेट्री के लिए भी ऑनलाइन। हाँ, अगर यहाँ पे मतलब आपको रहना है तो उसके लिए भी आपको ऑनलाइन टिकट करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो 2000 रुपये है उसका चार्ज, अंदर आरती का चार्ज, और डॉर्मेट्री का कितना था, 140 ना। हाँ, 140, बट आपको ऑनलाइन कराना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। और जैसे हम सोए थे ना वहाँ पर कम्बल पर, अदरवाइज तो जुगाड़ इज़ अ परफेक्ट, जुगाड़ तो बहुत मिल जाएंगे आपको बाकी तो। और अब हम जा रहे हैं ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करने, क्योंकि भैरव बाबा के दर्शन ज़रूरी होते हैं माता के दर्शन करने के बाद। बिल्कुल। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, उससे पहले थोड़ा सा कुछ खाना वाना खाएंगे और उसके बाद हम चढ़ाई चढ़ेंगे। चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं भैरव बाबा की जर्नी यहाँ से, और यहाँ से होगा अराउंड 3 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर की जर्नी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ी सी हमने आग सीखी और अब चलते हैं, चढ़ाई चढ़ते हैं और उसके बाद चलते हैं कटरा, ठीक है। तो अभी मिलते हैं रास्ते रास्ते में, कुछ अगर दिखाने को मिलेगा तो फिर दिखाएंगे, नहीं तो फिर ऊपर ही मंदिर में दिखाएंगे। जय माता दी। तो हम पहुँच गए हैं भैरव बाबा के दर्शन करने, और जस्ट 100 मीटर बचा हुआ है यहाँ से, और यहाँ पे अभी हम प्रसाद लेंगे, और प्रसाद लेने के बाद हम जाएंगे दर्शन करने वैष्णो देवी से। और यहाँ तक की जर्नी ना पता भी नहीं चला ना हमें, बहुत आराम से आ गए, आराम से आ गए, पता भी नहीं, बहुत ही आराम से आ गए। मतलब नहीं तो नीचे, जब नीचे से आया था ना तो बहुत तो ऐसा लग रहा था यार कब आएगा कब आएगा, बट यहाँ पे ना हमें पता भी नहीं चला, और ना ही मेरे पैरों में दर्द हो रहा था पहले, बट अब मेरे पैरों में दर्द भी नहीं हो रहा, और मतलब बहुत ही अच्छा अच्छा फील हो रहा है, सेफ वॉकिंग करते हुए, बहुत सेफ वॉकिंग करते हुए आगे। अभी हम पहुंच गए हैं भैरव बाबा के मंदिर में और दर्शन भी कर लिए हैं। तो हम जस्ट मतलब 5 मिनट पहले पहुंचे, और मतलब 7 बजे यहाँ पे ना, क्योंकि बंद हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहुंचे 6:55 पे, और जल्दी जल्दी यहाँ पे हमने ऊपर दर्शन भी कर लिए जल्दी जल्दी से। ये है ऊपर मंदिर, तो जल्दी जल्दी हमने दर्शन किए, और जैसे ही हम अंदर गए तब तक गेट बंद, तो उसके बाद गेट बंद हो चुका है, और लोग ऐसे ऐसे मतलब भाग भाग के गए थे वहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा अभी एक वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सामने ना स्नो गिरी हुई है, बर्फ़ गिरी हुई है, तो अभी हम बर्फ़ का वेट कर रहे हैं जब तक थोड़ा सा उजाला नहीं होता। तो 7 बज गए हैं, बट 7 बजे अभी मैं दिखाता हूँ आपको ना कितना कितना उजाला हुआ है। अब तो मिल लो, तो ये लोग हमसे बिछड़ गए थे कुछ देर पहले, तो बड़ा अब मिल गए हैं, और यहाँ पे सामने ना अभी स्नो है, ठीक है। तो अभी हम जब थोड़ा सा उजाला हुआ ना यहाँ पे, तो अब हमको स्नो, हाँ हाँ, ये सब लोग बिछड़ गए थे हमसे, तो अभी ये सुबह सुबह मिल रहे हैं हमें, यहाँ भैरव बाबा ने मिला दिया इनको। और अभी हम आपको दूसरा वाला व्यू दिखा रहे, तब तक थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं जब तक यहाँ पे ना उजाला होता है। 7 बजे का व्यू कैसा है यहाँ पे, और सब लोग यहाँ पे अभी अंधेरे अंधेरे में फोटो खिंचा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी। और ये रहा माँ वैष्णो देवी का धाम, बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है यहाँ से ना अभी। और ये रहा चारों की तरफ की दीवारियाँ, और बर्फ़ सिर्फ इसी यहाँ यहीं पर पड़ रखी है, बाकी कहीं पर नहीं पड़ रखी। और ये है भैरव बाबा का मंदिर, नहीं नहीं ठीक है। चलो जी, हो चुकी है सुबह, और
और अब यहाँ पे हम लोग जो हमारे ये सहपाठी लोग थे पूरे सब लोग यहाँ पे फोटो क्लिक करवा रहे हैं और हमारा जो मेन काम है हम अपनी वीडियो शूट कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ी सी लोकेशन इधर की चारों तरफ की लोकेशन बता देता हूँ कि चारों तरफ की लोकेशन कैसी है। वो बहुत ही शानदार है और जो कि यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, तो मतलब जो हम दिल्ली वाले लोग होते हैं ना, तो दिल्ली वाले लोग बर्फ़ देखने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और बर्फ़ सिर्फ थोड़ी थोड़ी पहाड़ों में पड़ रखी है, बट अच्छा लग रहा है कि बर्फ़ को देखने के लिए यहाँ पे लोग हैं। और अभी मंदिर जो भैरव बाबा का मंदिर है ना, वो सात बजे, पता नहीं अभी 2-3 घंटे के लिए शायद बंद है, जब तक नीचे पूजा नहीं होती 7 से 8 तक आई थिंक बंद है। और इसके बाद हम नीचे की अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। बट लोकेशन देखो आप, लोकेशन बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यारी है। और थोड़ी देर में आई थिंक यहाँ पे धूप आएगी, तो धूप के आने के बाद यहाँ पे कुछ जो नज़ारा होगा ना, वो बहुत ही शानदार होने वाला है। फाइनली हमारा यहाँ से विदाई होने लगी है, दर्शन पूरे हुए, सब दर्शन पूरे हो गए और बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पे। तो अब हमारी जर्नी होगी जो होगी कटरा तक की, और शायद जाते समय हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वैसे, प्रॉब्लम वैसे नहीं होती है, बट देखेंगे। अब सब उतरा ही होती है यहाँ से, अब सब यहाँ से उतरा ही होने वाली है। और ये रही हमारी टीम, पूरी टीम। तो जय माता दी। चलो एक बार जयकारा लगाओ जरा। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। अभी हम पहुंच गए हैं सांझी छत पे और यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमारे जो और दोस्त थे ना, वो आए नहीं हैं। और यहाँ से हमको जाना है थोड़ा सा ज़्यादा है मतलब नीचे जाना है कटरा में, और लगेंगे आई थिंक 2-3 घंटे लग जाएंगे। और हम आए थे उधर से, अभी थोड़ा सा हल्का लग रहा है, मतलब मौसम थोड़ा सा हल्का लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है क्योंकि आने जाने में ना। और देखो छोटे से बंदर क्या कर रहे हैं अभी। तो अभी हमारे 2-4 दोस्त जो है ना, वो ऊपर से आ रहे हैं, देन हम जाएंगे। तो अभी 2-3 घंटे का ट्रैवल करके हम पहुंच गए यहाँ पे अर्धकुंवारी माता के मंदिर पे, और अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम दर्शन करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे नीचे को। तो सबसे पहले अभी हम दर्शन करके आते, तो यहाँ पे भी दर्शन का वही रूल है कि हमें पहले अपना जो सामान है, पूरा लैगेज है, वो पहले हमें क्लॉक रूम में जमा कराना पड़ेगा और फिर अंदर जाना पड़ेगा। तो अभी ये सब लोग क्लॉक रूम में सामान रखेंगे, फिर उसके बाद हम वहाँ जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, मंदिर दर्शन करके फिर नीचे जाएंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने धाम पे, मतलब कि कटरा में। और ये जो जर्नी थी वो अराउंड 3-3.5 घंटे में हो गई कंप्लीट। तो आते समय में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, पर जाते समय बहुत टाइम लगा था। और जाते समय जो हमारी चाल थी वो बिल्कुल मस्त थी, बट अभी आते समय हमारी जो चाल है ना, वो बिल्कुल लचक लचक हो गई है और हालत ख़राब हो गई है सही में। तो इतनी ऐसी एक्चुअली ना, मैंने कभी ऐसी जर्नी की नहीं, इतनी लंबी जर्नी मैंने पहले कभी की नहीं। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया मेरे लिए। तो इस बार पैरों का जो हाल है ना, वो बिल्कुल बुरा हो चुका है। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा भंडारा, जहाँ पे हमने परसों भंडारा खाया था ना, तो आज दोबारा से हम वहाँ पे भंडारा खाएंगे। पहले अभी अभी जस्ट निकले हैं, जस्ट पहुँचे हम यहाँ पे, तो अभी हम यहाँ पे भंडारा खाएंगे और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। हमारे कैब ड्राइवर आएंगे तो वो फिर वहाँ से हमें पिक करेंगे, फिर रूम में जाएंगे, रूम में से फिर देखेंगे कि क्या प्लान बनता है। अगर वैसे मेरी ट्रेन तो आज रात की है, फिर अगर ये दोस्त बहुत लोग हैं तो ये कल तक रुकने वाले हैं, तो शायद मैं इनके साथ कल तक भी रुक जाऊँ। वो अभी डिपेंड करेगा कि अगर लेटते मैं सो गया तो फिर तो मुश्किल है, मतलब फिर मैं चला जाऊँगा, अगर नहीं सोया तो फिर मैं कहीं चला जाऊँगा। हमारी बारी आ चुकी है दिल्ली जाने की, और ये हैं सब यहाँ के भाई लोग, तो ये सब लोग यहीं पे रहेंगे अभी और हम चलते हैं दिल्ली। तो इनसे अब मुलाकात होती रहेगी, मिलोगे कभी भाई लोग, ठीक है। तो अब चलते हैं फिर, और अभी तो मैं आपको बहुत दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी प्रसाद दूंगा यहाँ पे कटरा में जाके, और फिर वहाँ पे देखेंगे फिर क्या होता है। तो अभी घर जाने से पहले थोड़ा सा यहाँ घर के लिए शॉपिंग हो रही थी, तो अभी घर के लिए हमने थोड़ा बहुत प्रसाद दिया है, और ऑफिस के लिए प्रसाद, और दोस्तों के लिए कुछ सामान। तो अभी यहाँ से मैंने कुछ सामान, यहाँ की जो मार्केट है ना, मार्केट यहाँ की बहुत बड़ी है, और हमने एंजॉय भी किया, मतलब यहाँ का खाना भी खाया, बड़ा पाव, और यहाँ के जो फेमस होते हैं वो होते हैं गुलाब जामुन, ठीक है। तो हम दोनों ने यहाँ पे गुलाब जामुन भी खाए, और अब चल रहे हैं हम यहाँ कटरा के बस स्टेशन में, और कटरा के बस स्टेशन से हम
वो लेंगे क्या, बस लेंगे और फिर उसके बाद पहुंचेंगे हम जम्मू, और जम्मू में कोशिश करेंगे अगर टाइम मिलेगा तो फिर कुछ ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा, नहीं तो फिर घर जाएंगे। ठीक है।